बस अब 24 घंटे से भी कम का इंतजार बचा है और पठान का दूसरा गाना झूमे जो पठान सबके सामने होगा। इस गाने का भी शाहरुख के फैंस बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में सॉन्ग के ड्रॉप होने से महज कुछ घंटे पहले जो 5 मस्त बातें सामने आई है वो हम आपको बता दे हैं। जी हाँ, फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर की बातों के हवाले से गाने से जुड़ी 5 बातें सामने आ चुकी है। पहली बात, झूमे जो पठान है सोल ऑफ पठान। जी हाँ, ये गाना दरअसल पठान का थीम सॉन्ग होने जा रहा है। विशाल शेखर की जोड़ी इस गाने को सोल ऑफ पठान या स्पिरिट ऑफ पठान के नाम से पुकार रही है। कुल मिलाकर इस गाने में आपको पठान का स्वैग, उसका अंदाज, उसका जलवा, उसका देखने का तरीका और उसके अंदर चल रहा तूफान नजर आएगा, जैसे टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल सीरीज और जेम्स बॉन्ड की सीरीज वाली फिल्मों में एक खास थीम म्यूजिक होता है। ठीक उसी अंदाज में झूमे जो पठान का म्यूजिक और गाना भी थीम म्यूजिक और सॉन्ग की तरह काम होगा। दूसरी बात, नए अंदाज में मिक्स कव्वाली। अगर बात करें कि गाना कैसा होगा तो इसके बारे में भी म्यूजिक जोड़ी विशाल शेखर ने थोड़ी बहुत बीन्स स्पेस की है। झूमे जो पठान नए अंदाज की मिक्स कव्वाली होगी, लेकिन वो कव्वाली नहीं जो पुरानी फिल्मों में आप देखा करते थे। ये नए जमाने की ऐसी मिक्स कव्वाली होगी जो आम आदमी को भी ग्रूव करने पर मजबूर कर देगी। तीसरी बात, अरिजीत कव्वाली, विशाल शेखर और शाहरुख का जलवा। जी हाँ, अब तक जो भी बातें सामने आई हैं, उनसे लग तो यही रहा है कि इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है। शाहरुख ने खुद ये इशारा किया था कि पठान का अगला गाना अरिजीत की आवाज में आ रहा है, तो कुल मिलाकर ये गाना अपने आप में ही डेडली कॉम्बो है, क्योंकि इसमें 3 बड़े नाम अरिजीत, विशाल शेखर और शाहरुख खान शामिल हैं। चौथी बात, इस गाने में भी शाहरुख संग ग्रूव करेंगे दीपिका। जी हाँ, जैसा कि इस गाने के फर्स्ट लुक से ये भी जाहिर है कि पठान के इस गाने में पठान अकेला नहीं होगा, साथ में होंगी उनकी महबूबा भी, यानी इस गाने में शाहरुख के साथ साथ दीपिका भी ग्रूव करेंगी। पांचवी बात, हेटर्स जलेंगे पठान चलेंगे। जी हाँ, ये सबसे आखिरी और सबसे जबरदस्त बात है। भले ही पठान फिल्म और उसके पहले गाने बिशर्म रंग को लेकर खूब बवाल मच रहा हो, लेकिन शाहरुख खान के इरादे रुकने वाले बिल्कुल नहीं है। वो अपने प्लान पर अडिग हैं। पठान का ये दूसरा गाना तो कव्वाली भी है और साथ ही इसके लिरिक्स की लाइंस भी पठान की जलवे को बयां करने वाली है। ऐसे में जब ये गाना ड्रॉप होता है तो क्या माहौल बनता है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।